एक बाउल लिए और उसके बीच में चारों अंडे डाल दिए, जिसमें से हमने उसकी योग को अलग कर दिया और इसकी सफ़ेदी को हम ग्राइंड कर रहे हैं। इसको इतना बीट करना है कि इसकी झाग बन जाए। तकरीबन आप इसको 5 मिनट्स के लिए बीट करेंगे। और ये इसकी अब अच्छी सी झाग बन चुकी है। अब बारी आती है इसमें योग ऐड करने की। तो जो योग अलग करके रखी हुई थी वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो जी, मैंने इसमें घी डाल के बीट कर दिया था। अब इसमें मैं आइसिंग शुगर ऐड कर रही हूँ, जिसे हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे और उसको साथ साथ बीट करते जाएंगे। अब मैंने इसमें सारी आइसिंग शुगर ऐड कर दी है और इसको हम अच्छा सा बीट कर लेंगे। अब मैदे में 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर ऐड किया है और उसको मिक्स कर लिया। मुरब्बे जो मैंने लिए थे, इसमें मैंने मैदा ऐड किया थोड़ा सा, तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून मैदा ऐड करके उसको मैंने आपस में मिक्स कर दिया है। ऐसा करने से आपका जो केक है वो अच्छा बनेगा, आपके जो ये मुरब्बे हैं नीचे बैठेंगे नहीं। बाकी का मैदा थोड़ा थोड़ा करके मैंने बैटर में ऐड किया है और उसको साथ साथ बीट करती जा रही हूँ। ये अच्छा सा मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें येलो कलर एक चुटकी ऐड कर रही हूँ और उसको हाथ से ही मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा अच्छा सा मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें मुरब्बे ऐड कर रहे हैं और इसको हम अपने हाथ से मिक्स कर लेंगे अच्छा सा। मुरब्बे जो हैं वो आपने एंड में ऐड करने हैं। लास्ट में ऐड करने से क्या होगा कि वो आराम से मिक्स हो जाएंगे और बैठेंगे नहीं।
अब ये बैटर हमारा तैयार हो चुका है पैन में जाने के लिए। और अब हम इसे बेक करेंगे 180 डिग्री पे 40 मिनट्स के लिए। आफ्टर 40 मिनट्स केक तैयार हो जाएगा।